आप लोग इस्तिंजा करते हैं? आप लोग से पूछ रहे हैं इस्तिंजा करते हैं? माशाल्लाह दिल बाग बाग हो गया कि कौन जगह है रोशनगंज, यहाँ के लोग, इलाके के लोग इस्तिंजा करते हैं। नहीं, एक जगह जलसे में गए थे ना, लोग वहाँ इस्तिंजा करते थे लेकिन हफ्ता में एक मरतबा। ये कौन भी ऐसे अपने इमाम की तनख्वाह एकदम डायरेक्ट सदर सिक्योरिटी गांव के मेंबर, जैसे इमाम साहब दूसरा इमाम आया वो इमाम। हम तो कभी कभार कहते हैं कि बाबू ये भी एक अलमिया है, कुरान जल्दी लोग पढ़ते नहीं है, पढ़ते हैं दिन भर में तीन मरतबा चार मरतबा मुंह धोएगा, नमाज पढ़े या ना पढ़े, वजू करे या ना करे, मुंह धोएगा, फेस वॉश लगाएगा, और ससुराल जाएगा मार पुटी पर पुटी, पचाड़ा पर पचाड़ा, रंग पेंट करके चल दिया, और कहीं बीच में बारिश हो गई तो सब पेंट वे धोवा गया, 150 रुपया बर्बाद हो गया, 150 रुपया ये पोछड़वा लगा देगा, लेकिन जुमा में जब मस्जिद का डब्बा चलेगा जैसे ही डब्बा आते देखेगा वैसे कहेगा कैसी तहजीब हासिल करने के बाद मदरसा ये दस्तार बंदी जैसी नेमतों से उसे सरफराज करता है। इंशाल्लाह इसके ताल्लुक से हम कुछ बयान करेंगे। सुनने के लिए तैयार हैं? नहीं तैयार हैं सुनने के लिए? पूरा मजमा बोले या रसूल अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा आगे वाला चुप रहिए, पीछे वाले जो पीछे हमारे बुजुर्ग हजरात हैं, नौजवान भाई लोग हैं, वो लोग एक मरतबा बोले सुभान अल्लाह। जितना मजमा है उसके हिसाब से आवाज बहुत कम है। अच्छा ये बताइए रात में खाना खाए हैं आप लोग ना? अरे खाना खाए हैं ना? खाना तो हम भी खाए हैं, आप लोग भी खाए हैं, लेकिन आजकल हजरत खाने का भी खाने के बाद एक अजीब हालत हो जाती है। अपने घर का खाना हो तो कुछ सब्र भी है, कहीं दावत के खाने की हो बिलखुसूस बारात तब ऐसे टूट पड़ते हैं। दावत में जाते हैं अक्सर लोग, देखिए जब दावत में खाएंगे बारात में या कोई और फंक्शन में गए, जब खाने के लिए प्लेटें लग जाती है तो इंतजार करते हैं अब चावल आएगा, जो ही चावल आए या रोटी आए जो भी आवे, उसके बाद सालन का इंतजार करते हैं, और सालन का इंतजार करते जैसे ही सालन आया और उठा करके धक्का धक देना शुरू कर दिया, और जब आधा ये आधे पेट भर लेते हैं तब थोड़ी सांस लेते हैं, उसके बाद ख्याल आता है अरे बिस्मिल्लाह भुला गए थे। ये अक्सर होता है बगैर बिस्मिल्लाह के खा रहे, बगैर बिस्मिल्लाह, और उसमें भी एक चीज देखिए गोश्त भी लिया है तो उसमें देखेगा कि ठीक ठाक है, ठीक सब है लेकिन हड्डी से ज्यादा छोड़ाने कोशिश नहीं करेगा, हल्का चूसा खा रहा, आधा खाया आधा नीचे डाल दिया, कौन अपना बाप कह जाता है? वो समझेगा बेटी को बाप, वो समझेगा जिसके घर फंक्शन है वो समझेगा, कोई अहमियत नहीं समझते, आधा खाया आधा फेंक दिया। हम कहते हैं उस गोश्त की अहमियत क्या है पता है? जब होटल पे जाके बैठिए और 80 रुपये पीस लीजिए तब देखिए क्या अहमियत है, पूरी प्लेट का चावल खा जाएगा, चार लुकमा उस प्लेट में से निकालेगा, एक लुकमा दो लुकमा तीन लुकमा चार लुकमा पांच लुकमा खाएगा, उसके बाद एक मरतबा गोश्त को हल्का से उठा करके और हल्के से दांत से दबाएगा, कहीं पूरा लग ना जाए, पूरी प्लेट की चावल खत्म हो जाएगी, उसके बाद तक वो एक ही बूटी अभी तक धर ले है। हाँ दूसरे के माल में अब देखते फराया का खाना है उसकी तरफ से दावत है, को अभी आधा खाया आधा फेंक दिया, ना बिस्मिल्लाह किया ना बिस्मिल्लाह पढ़ करके खाया, और जब बगैर बिस्मिल्लाह के पढ़ा उसके बाद क्या कहता है? बगैर बिस्मिल्लाह के पढ़ा बगैर बिस्मिल्लाह के खाना खाया, अल्लाह का नाम से ना शुरू किया, और मेरे आका मदीने वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जब तुम कोई हलाल चीज खाओ हलाल चीज पियो तो उस खाने पीने से पहले अल्लाह का नाम ले लिया करो, अल्लाह का नाम लो। अब बिस्मिल्लाह करना भूल गए,
भूल गए तो उसकी भी कोई उसका भी कोई तरीका है कि भूल गए तो बीच में हमें कहना क्या है, लेकिन कहते नहीं, खा लिया और उसके बाद कहेगा कि पेट भी गुरगुरा रहा है, तो गुरगुराएगा अभी तभी गरगराना बाकी है, बगैर बिस्मिल्लाह के खाया है। यहाँ देख एक बुजुर्ग फरमाते बात आगे तो सुना, एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि अगर तेरा कोई दुश्मन है दुश्मन और वो दुश्मन तेरे तेरी जानकारी के बगैर, जबकि तुझे पता नहीं कि वो मेरा दुश्मन है, लेकिन वो तेरा दुश्मन है, तेरी दुश्मनी उसके दिल में है और तुझे पता नहीं कि वो मेरा दुश्मन है, इतना जानते हो कि वो मेरा दोस्त है, और तेरे अनजाने में तेरे गैर तेरे इल्म के बगैर तेरी जानकारी के बगैर तेरे खाने में उसने जहर मिला दिया, जहर, और तुझे पता नहीं कि इस खाने में जहर मिला हुआ है, को खाया तुझे दावत में बुलाया, दोस्ती निभाते हुए बुलाया, तू सोचा कि हमारा दोस्त है, दोस्ती निभाने जाता हो, दोस्त के घर खाना खाता हो, लेकिन दुश्मनी की बुनियाद पर उन्होंने चुपके से तेरे खाने में जहर मिला दिया, और खाने में जहर मिलाया, तुझे इल्म नहीं, तुझे पता नहीं, तुझे जानकारी नहीं, और उस खाने को तूने लाइलाही की बुनियाद पर उस खाने को तूने इस्तेमाल कर लिया, यानी खा लिया, बिस्मिल्लाह पढ़ करके अल्लाह के नाम से शुरू कर दिया खाना, अल्लाह के नाम से नाम लेकर के खाना शुरू किया है। खुदा की कसम, एक बुजुर्ग फरमाते हैं तेरी लाइलाही की बुनियाद पर ये पता नहीं उस खाने में जहर है, और तूने बिस्मिल्लाह पढ़ के खा लिया, खुदा की कसम अल्लाह रहमान और रहीम है, उस खाने में जो जहर है वो जहर भी तुझ पे असर नहीं करेगा, साधा खाना वो खाना तेरे भाई से रहमत हो बरकत बन जाए। हमने बिस्मिल्लाह पढ़ा, आजकल तो बिस्मिल्लाह हाथ तक भी सही से नहीं धोते, आज तो सही से हाथ भी नहीं धोते, और खास करके अभी जो मैंने बताया ना कि बारात में हाय 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 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर 100-150 किलोमीटर हम बारात जाते हैं, अब बारात जब पहुंचते हैं, बराती जब जाते हैं तो ऐसा नहीं लगता है कि ये बराती है, लगता आतंकवादी आ रहा है, ऊद बम धमाका, गांव पहुंचने से पहले उधरे एक तो पहले उड़ा देता है ऊपर में, और उड़ाने के बाद कह देगा कि सावधान आ गया है, लगता लुटेरा, और उसके बाद पूरा मोहल्ला बाहर निकल जाता है लुटेरा देखने के लिए, इतने दूर से आया जो ही नाश्ता वगैरह दिया गया, और जब खाने की बारी आती है ना प्लेटें लग गई, धड़धड़ा के सब जा करके बैठ जाता है और बगैर हाथ धोए खाना शुरू कर देता है, यो पता नहीं है, ये भी पता नहीं है कि ये हाथ कहाँ कहाँ हिजरत किया है, अब वैसे ही खाना बगैर धोए खाना, और उसके बाद में कहेगा कि खाना तो ठीक है था लेकिन पेट में गैस हो गया, तो गैस नहीं होगा तुम्हारा हथवा करना बेस्ट था रे, पहले उसका क्या हाथ को दुरुस्त कर, मैंने तेरा हाथ साफ सुथरा नहीं है, जरासीम नहीं तेरे अंदर पेट के अंदर जाएंगे तो क्या जाएगा, इसलिए मेरे मुसलमान भाइयों ये पैगाम कोई और देने वाला नहीं है, अब इस उम्र में दाढ़ी सफेद हो गई, सर से बाल सफेद हो गए, अगर जानकारी लेना है कि हम खाना कैसे खाएं, खाने का तरीका क्या है, उठने बैठने का तरीका क्या है, पानी पीने का तरीका क्या है, तो ये जानकारी लेने के लिए अब इतना मेरे पास वक्त नहीं है कि इस उम्र में इतनी उम्र में इस बुढ़ापे में इतनी बेदर्दी निभाते हुए फिर उसके बावजूद हम मदरसा में दाखिला ले सके, कॉलेज में एडमिशन ले सके, स्कूल में हम जा करके नाम दर्ज करवा सके, अब वो वक्त नहीं रहा, अब इतनी फुर्सत नहीं रही, क्योंकि सर पे काफी जिम्मेदारियां है, मैंने कहा अल्लामा मौलाना साहब किबला ये लोग जानना चाहते हैं, हजरत मौलाना इसरार साहब किबला दानिश के अमीर साहब रियासुल कमर साहब हजरत मुर्दी हजरत मुर्दी नबी सरवर साहब हजरत मौलाना मौलाना आदिल साहब ये सब भी जानना चाहते हैं कि हर वक्त से जहां कैसे उठने बैठने का तरीका जा रहा है, अब एडमिशन लेने का वक्त नहीं, मदरसे में पढ़ने का समय नहीं, हम कैसे इसको सीख सकते हैं, बुजुर्ग फरमाने का अब मदरसे में बैठने नसीब
आगे 30 दिन में तुम 30 दिन में गेंद को तुम मेहमान के करीब बैठोगे, खेल कोई मसले से जाने दे, खेल को मसला ना होता है। 30 दिन में अगर हम 30 मसले सीखेंगे 365 दिन में 365 मसला हल याद हो जाएगा। 365 दिन में उसमें भी 65 उड़ा दे, उसमें भी और 50 और उसे तोड़ दे, लेकिन याद रखे 250 दिन ही अगर इमाम के करीब बैठा, उलमा के करीब बैठा, उलमा की कुर्बत अख्तियार किया, उलमा की सोहबत अख्तियार किया, हमको पता नहीं कि वजू में कुल्ली करना वाजिब है कि फर्ज है कि सुन्नत है, मुस्तहब है यही है। पहले हाथ धोना है तो कितना धोना है, चेहरा धोना है तो कितना धोना है, पांव धोना है तो कहां तक धोना है, ये मसला। अगर रोजाना एक एक बार गिरे नहाने का तरीका, उठने बैठने का तरीका, तहारत का तरीका, पाकीज़गी का तरीका, सुन्नत मुस्तफा की पहले जिंदगी गुजारने का तरीका, अगर एक एक करके मसले सीखेंगे लेकिन आज कल उलमा से सीखता कौन है, इसलिए मौलवी को वैल्यू नहीं देता। सही है कि नहीं? सही है। उधर मुड़ियों हिला रहा है, आदत बनी है ना, आदत बनी है। सुन लो, याद रखो। और एक चीज जानिए, मदरसा को लोग आजकल मदरसा नहीं समझ रहे, यतीम खाना। और यतीम खाना ही नहीं, किसी ने कहीं मदरसा नहीं है, भीख मांगा का घर है। सही बता रहा हूँ, ये लफाज ही नहीं मैंने सुना का है। बोला मांग मांग के सब लोग इन लोग पढ़ाते हैं। हम बोले हाँ, लेकिन ये बता, मांग के पढ़ाते हैं तो ये लोग अपनी बीवी पढ़ाते हैं, तो बेटी और बेटा पढ़ाता है? बोला नहीं, हम ही लोग के बाल बच्चा पढ़ाता है। हम बोले फकीर कौन है, गरीब कौन है, ये अल्बा गरीब है, ये तेरे लिए मांगता है तेरे लिए। अब तो आप ही लोगों के लिए नमाज की तकरीर करते हैं कि नमाज पढ़, अपने तो हम पढ़वे करते हैं। नमाज की तकरीर तेरे लिए, रोजा की तकरीर तेरे लिए है, सूदखोरी से बचो ये तकरीर तेरे लिए, तो ये जो हम कर रहे हैं सब आपके लिए है। तो हम लोग मांग भी रहे हैं वही अपने के लिए है। एक फकीर को देख रहा है, तू तो महा फकीर है, तुझे दे रहा है। बोला नहीं, ये तो बात सही है। तब अब सही समझ में आया। आजकल लोग बेटा अगर तेज तर्रार है उसको कहिए ना मदरसा में पढ़ाइए, ना मौलाना साहब बहुत तेज, और तेजे नहीं कहेगा। कभी कभार तो मदरसे में जब बच्चे को दाखला कराने आता है ना, तो बाप फख्र से क्या कहता मालूम है, देखिए हजरत ये लड़का जो है ना मेरा बेटा है, तो हम कहां कहे कि दूसरे वाला उठा ले आया, तो हम कह रहे तेरा ही है। हमने पूछा होता कि ये किसका है, तब तो करा ये मेरा बेटा है। अरे किसी के बैठवे नहीं थे, रहने दो, क्या कहना चाहते हैं? बोला इसको मदरसा में रखना चाहते हैं, पढ़े या ना पढ़े कोई मतलब नहीं, खाली उसको सुधार दीजिए। हम बोला कैसे मतलब? बोला बहुत बदमाश है, और मुस्कुराता भी है कि मेरा बेटा बहुत बदमाश है, लगता है बहुत बड़ा काम करके आया हुआ है, अपने आप कहता है बहुत बदमाश है। और आखिर में क्या बोला मालूम है? वैसे तो 3-4 मौलाना को खत्म कर दिया आपके पास। अबे ये बेटा है ना, अच्छा छे रे, खत्म कर दे, अजीब हाल है, खत्म कर दिया मौलाना को। बोला नहीं नहीं नहीं, कोई नहीं, किसी ने इसको सुधार नहीं पाया, वैसे बहुत तेज है। कोई कहता बहुत तेज है मेरा लड़का, इसको मदरसे में नहीं रखेंगे, ये पढ़ने में तेज है, क्या इंग्लिश पढ़ता है, माशाल्लाह इंग्लिश पढ़ता है, इसको इंग्लिश मीडियम में पढ़ाएंगे। एक बेटा और है मंझला बेटा, ये भी तेज तरह है, बहुत बढ़िया पढ़ता है,
मैथ में इसका जहन बड़ी तेज है, इसलिए इसको हम मैथ में रखेंगे, साइंस में रखेंगे। एक ही बात है सब स्कूल के तरफ, और एक एकदम दिमाग का कमजोर है मौलाना साहब किसको, लेकिन याद रखिए कौन चार बेटा था, चारों बेटे में तीन बेटे को स्कूल कॉलेज का नाम दिया, एक बेटा इसको मदरसा में पढ़ा दीजिए, उसको दो आंख नहीं थे डेढ़ ही आंख थी, इसको मदरसा में पढ़ा दीजिए। अब बोला प्यास काल दोन जो बढ़िया उसको रखन जाना ना, इसी को पढ़ा दीजिए। आप एक में बिनाई खूब है, दूसरी आंख में बिनाई ज्यादा नहीं है, ना के बराबर, और टेढ़ा भी है थोड़ा, अपाहिज भी है, इसको मदरसा में पढ़ा दीजिए। हकारत से हाँ माशाल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए इकराम, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हकारत से। ये देखिए हजरत, आप पहले देख लीजिए हजरत अदीबे शहीर शायर बावसूल उस्तादु शोरा हजरत अल्लामा अलहाज मुबारक हुसैन मुबारक साहब, बहुत बड़े शायर जिनकी तशरीफ आवरी हो चुकी है, बस थोड़ी ही देर में उनको समाप्त करेंगे। तो हम बैठ जावे, बैठ जावे, नाराज तो नहीं ना, नाराज है क्या, थोड़ा हाथ उठा के बताएं कितने लोग नाराज हैं। ठीक ठीक, अल्लाह सलामती अता फरमाए। और जितने लोग सो तो नहीं रहे, सो रहे हैं क्या, सो नहीं रहे ना, पूरा मजमा बोले या रसूल अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। जो जिस्म के हिसाब से भी कमजोर है, आंख में एक में बिनाई भी कम है, पांव भी टेढ़ा है, मौलाना साहब इसको मदरसा में पढ़ा दीजिए, हाफिज बन जाएगा, अपन रोजी रोटी कमाएगा, अरे लंगड़ा कमाएगा, बेसका नहीं कमाएगा, सोचने की बात है। मैंने कहा ठीक है, अब सुनो मुसलमानों, वो बच्चा कुरान पढ़ते पढ़ते पहले नाजरा पढ़ा, नूरानी कायदा पढ़ा, कुरान नाजरा पढ़ा, फिर हिफ्ज किया। अब याद रखे वो किसने दाखला कराया, उसका बाप ने दाखला कराया, उसी चार बेटों में से एक बेटा जज बन जाता है, एक बेटा एमबीबीएस डॉक्टर बन जाता है, एक बेटा थानेदार बन जाता है, वो बाप बूढ़ा हो जाता है, ये चौथे नंबर का बेटा आज हाफिज़े कुरान भी बन जाता है, ये चार बेटे अपनी अपनी जगहों पे कामयाब है, उस बूढ़े का इंतकाल हो जाता है, बाप का इंतकाल हो जाता है, 80,000 कमाने वाला वो एमबीबीएस डॉक्टर, 1,20,000 कमाने वाला वो जज, यहाँ तक कि वो थानेदार 60,000-70,000 पैसा उठाने वाला वो थानेदार, वो थानेदार 70,000 कमाने वाला बेटा भी जनाजे में शरीक हो गया, 1,20,000 कमाने वाला बेटा भी बाप के जनाजे में आया है, 80,000 तनख्वाह उठाने वाला बेटा भी जनाजे में आया है, और एक बेटा हाफिज़े कुरान जो मस्जिद का नाइब इमाम है, जिसकी तनख्वाह 5,500-6,500 आ जाए, वो भी जनाजे में आया है, सब लोग सबको सीधी कर चुके हैं, जनाजा बाप का सामने रखा है, एक आलिम आगे बढ़ते हैं, सूफी साहब जैसे बाबा और आदो ज़ईफ आगे बढ़ते हैं, हजरते मौलाना, हजरते मौलाना अलहाज मुबारक हुसैन मुबारक जैसे जैसे आलिम आगे बढ़े, हजरते आदाउल मुस्तफा जैसे मुफ्ती आगे बढ़े, ये उलमा आगे बढ़े। कहा तू 1,20,000 तेरी तनख्वाह है, तू तो जज है ना, चल आगे बढ़ जा, अपने बाप की जनाजा नाम की, अपने बाप के जनाजे की नमाज पढ़ा ले। 1,20,000 कमाने वाला वो बाप बेटा कहता है नहीं नहीं नहीं, जनाजा मैं नहीं पढ़ा सकता, अलबत्ता जो गुनहगार नहीं है उसको गुनहगार मैं साबित कर सकता हूँ, जो जो, जो, जो यकीनन आजादी आजादी के काबिल है, जो सजा के काबिल नहीं उसको सजा दे सकता हूँ, मैं इधर से उधर उधर से इधर उलट फेर तो कर सकता हूँ, जनाजा पढ़ाने का इल्म मुझे नहीं है, 80,000 कमाने वाला वो बेटा आगे बढ़ा, उसको आगे खींच के लाया गया। उलमा ने कहा चल तेरा बाप है, जनाजा कौन पढ़ाएगा, इसकी विरासत के जिम्मेदार तुम हो, इसके माल को तूने रखा, इसके पैसे को तूने अपने भाई भाई लग बनाया है, चल आगे बढ़ा, अपने बाप की जनाजे की नमाज पढ़ा, वो भी बेटा आगे बढ़ के जनाजा पढ़ाने को तैयार नहीं, तीसरा बेटा भी जनाजा पढ़ाने को तैयार नहीं, अब आगे यकीनन जिस बेटे को हकारत की निगाह से देखते थे कि ये 6,500 कमाने वाला हमारा क्या करेगा, हमारी जिंदगी कैसे इस बेटे की कमाई से गुजरेगी,
बहुत बड़ी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज आज हमारे अंदर यही कमियां हैं, अपने बच्चों को पढ़ाते नहीं। अभी एक जलसे में कहा कि देख रहे इतने इतने बच्चे हाफिज़े कुरान बने हैं, आप लोगों का दिल नहीं फटता है, दिल नहीं तड़पता है कि मेरा बेटा भी हाफिज़े कुरान बने? कोई कुछ मुझे बोला, एक आदमी बोला हजरत तड़पता तो जरूर है कि मेरा बेटा हाफिज़े कुरान बने, लेकिन जब उधर देखते हैं कि हाफिज बनेगा तो दिल बाग बाग हो जाता है। 6000 तनख्वाह जब सोचते हैं तो दिला फटने लगता है। ये किसने कहा? अच्छा एक चीज बताइए, ये कौन भी ऐसे अपने इमाम की तनख्वाह एकदम डायरेक्ट सदर सिक्योरिटी गांव के मेंबर, जैसे इमाम साहब दूसरा इमाम आया वो इमाम। हम तो कभी कभार कहते हैं कि बाबू मौत का वक्त अल्लाह ने मुकर्रर कर दिया है, हमको पता नहीं कि कब मौत होगी। भी जैसे हम और आप यहाँ तकरीर पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, नात पढ़ रहे हैं, नात सुन रहे हैं, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे हैं, लेकिन ये किसी को पता नहीं कि कल सुबह भी इनमें से सब रहेगा कौन जाएगा, अल्लाह ही बेहतर जाने। मौत की कोई गारंटी नहीं, हम जानते कब आएगी। मौत और इमामत में ज्यादा फर्क नहीं है, इमामत में ज्यादा फर्क नहीं। फजर पढ़ा लीजिए, कोई गारंटी नहीं कि जोहर पढ़ाने मिलेगा। 10 बजे सदर साहब आ जाएगा, हजरत हजरत जाइए, इमाम की अहमियत को नहीं समझते, इमाम की अजमत को नहीं समझते, इमाम किसान को घटाते क्यों? क्यों? उसकी तनख्वाह कम है। और मैं कहा करता हूं याद रखो, ये तुम जो अहमियत घटा रहे हो ना, यही वजह है हम एक दूसरे की अहमियत को घटा रहे हैं, यही वजह है कि आज दुनिया हमारी इस्लाम की शान को घटाने में लगी हुई है, क्योंकि हम उसको नहीं समझते। एक चीज हम सोचते हैं कि ये चीजें सस्ती, हम कितने सस्ते में कुरान की तालीम दे देते हैं, हाफिज़े कुरान बना देते हैं। और जो चीजें सस्ती होती है ना, उसकी अहमियत लोग नहीं समझते। जब अभी देख रहे थे बाजार में गोभी, गोभी गोभी समझते हैं? अरे समझते ना गोभी, हाँ 3 रुपये में इतना बड़ा बड़ा गोभी दे रहे हैं। लेकिन जिस वक्त गोभी का सीजन नहीं था, उस वक्त आधा किलो लीजिए तो 85 रुपया, तो वो आधा किलो लेकर के आता था और आने के बाद अहलिया से बोलता था, बीवी से, इसको 3 टन करना, कहा कि 85 रुपया ना। और अभी 3 किलो का एक ठो लेकर के आता है, लेकिन कभी नहीं कहता है 3 टन करना, एक टन खत्म कर दो, कोई टेंशन नहीं। जो चीजें सस्ती होती उसकी अहमियत तुम नहीं समझते हो, हम नहीं समझते हैं, लेकिन याद रखो जो चीजें दुनिया में सस्ती होती है आखिरत में बहुत महंगी फरोख्त की जाती, बहुत महंगी बिकती है, उसकी अहमियत बहुत ज्यादा हुआ करती है। जानते हैं आज हम उलमा की इज्जत को नहीं समझते, उलमा के एहतराम को नहीं समझते। ईद की नमाज, ईद की नमाज, बस आखिरी बात सुनने के लिए तैयार है? अरे जोर से बोले तैयार है? हाँ, ईद की नमाज पढ़े कभी? रिजोर्ट से पढ़े ईद की नमाज पढ़े हैं? माशाल्लाह माशाल्लाह, ईद की नमाज बहुत जगह पे मस्जिद में होती, बहुत जगह पे मैदान में ईदगाह में नमाज होती। एक आबादी बहुत बड़ी आबादी, वहाँ का ईदगाह जो है वो एक मैदान है, उस मैदान में अभी ईदगाह की वो दीवारें खड़ी नहीं की गई थी, सिर्फ एक निशानी दे दी गई थी, एक का गीत लगा दी गई थी, ये ईदगाह है, इसी में ईद की नमाज पढ़ते थे, बकरीद की नमाज पढ़ा करते थे। अब उसमें ईद के दिन ये सारे मुसलमान उस मोहल्ले के ईदगाह नमाज पढ़ने के लिए जा रहे हैं, और वो इतना बड़ा मैदान है, इतना बड़ा मैदान है जिसमें हमारे हिंदू भाई भी, बिरादरी वतन, हमारे मुसलमान भाई सब उस मैदान को सब अपने काम में लाते हैं, सब उसे यूज करते हैं, कोई जानवरों का चरागाह बनाया हुआ है, कोई कुछ कोई कुछ, यानी लोग वहां पहुंचते हैं। अब सुने, उसी मैदान के कुछ बीचों बीच में एक निशानी लगा दी गई थी कि ये ईदगाह है, इसके अंदर ईद और बकरीद की नमाज पढ़ी जाती है, ये सारे लोग जानते थे। लेकिन हमारे हिंदू भाई भी कुछ कुछ जानते थे और कुछ लोगों को कोई पता नहीं था कि ये क्या है। उसी मैदान में लोग गाय वगैरह जानवर को चराने के
दिल्ली आते हमारे हिंदू भाई आया था, उनमें से जब देखा ईद के दिन सुबह सुबह ये मुसलमान लोग, ये मुसलमान अचानक सफेद कपड़े टोपियां सर पे लिए हुए चले आ रहे हैं। एक हिंदू भाई ने अपने बिरादरी हिंदू भाई से पूछा था, भाई ये बता दे कि आखिरकार ये मुसलमान इतनी तादाद में इधर क्यों क्यों सुबह सुबह आ रहे हैं। तब उसने कहा, अरे तुझे पता नहीं है आज ईद की नमाज है, इसलिए ये ईद की नमाज पढ़ने के लिए आ रहे हैं। उन्होंने कहा, भाई ये बता ये ईद क्या है, नमाज क्या है। कहा, थोड़ी देर में देख लेना, वो देख रहे एक ईद की निशान लगाए हुए हैं, उसके बीच में आकर के वो ये लोग ईद की नमाज पढ़ेंगे। और जब वहां लोग सारे मुसलमान पहुंच गए, सफे सीधी हो गई, तब इस हिंदू भाई ने कहा था, वो भाई जो थे यकीनन आज उसका नाम मैं भी जानता हूँ, ये कोई लतीफा नहीं है, यकीनन मैं नाम भी जानता, मैंने सुना, उससे जाकर के पूछा भी था, खुदा की कसम उन्होंने सारी बात बताई थी कि उन्होंने कहा, भाई चल चल करके देखते हैं कि आखिरकार ये मुसलमान क्या करते हैं। वो हिंदू भाई कहते हैं कि मुझे पता है ये लोग ईद की नमाज पढ़ते हैं, साल में जब ये महीने का रोजा रखते हैं, रोजा 30 दिन का पूरा हो जाता है, फिर उसके बाद ये खुशी में ईद की नमाज पढ़ते हैं। कहा, चलो चल के देखें ये नमाज कैसे पढ़ते हैं। जो नहीं जानता था, जानने वाले अपने भाई को लेकर के वो ईदगाह के करीब आया, किनारे आकर के खड़ा हो गया, लेकिन अजब हालत है। कहा, देख ये लोग नमाज कैसे पढ़ते, सफे सीधी लगा दी गई है, सब कंधे से कंधा मिला करके खड़े हैं। अचानक वो आदमी जो कह रहा था चलो चल के देखेंगे कि ये लोग नमाज कैसे पढ़ते हैं, अचानक वो रोने लगा। जब रोने लगा तो उसके साथ में जो सिखाने बताने आया था उसी का बिरादरी, उन्होंने कहा, तुम क्यों रो रहे, ये लोग आया है अपना धर्म का काम करने, तुम काहे रो रहा। बोला, हमको ठीक नहीं लग रहा है। बोला, क्यों नहीं ठीक लग रहा है, क्यों रो रहे हो। बोला, मेरा दिल फट रहा है। कहा, क्यों, वजह क्या है। जानते हो उसने क्या कहा, कि सब लोग कंधा से कंधा मिला के खड़े हैं, लेकिन बेचारा ये अकेले आगे खड़ा है, यह देख के दिल फट रहा है कि उसका साथ लोग काहे नहीं दे रहा, ना उसका दाहिना बगल कोई है, ना बाया बगल कोई है, ये अकेले वो खड़ा है। कौन गलती किया कि उसको सब लोग छांट दिया है, अलग कर दिया। अब सुनो, इतना कहना था उसने, कहा, लोगो बाबू सुनो, वो छांटा नहीं किया। बोला, नहीं देख रहे, कोई बाया भी नहीं, कोई दाया नहीं, सब कंधा से कंधा मिलाया और उसको अकेले आगे खड़ा कर दिया। तो वो हिंदू ज्यादा भाई ने, जिसका नाम था बालदेव, मैंने सुना गया, उन्होंने उसको समझाया कि सो वो इमाम है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, वो इमाम है। बोला, मतलब। बोला, ये सब के सब जितने कंधा से कंधा मिला के खड़े है ना, ये सब मुक्तदी है और वो इमाम है। कहा, क्या मतलब। उन्होंने कहा कि ये अब झुकेगा तो ये सारे लोग झुकेंगे, जब ये जमीन पे पेशानी रखेगा, सर रखेगा, तो ये लोग भी वैसे ही करेंगे, जब वो खड़ा होगा तो सब लोग खड़ा होंगे। बोला, ऐसा क्यों करते। बोला, इमाम के खिलाफ कोई काम इन लोग नहीं करता है, वो जैसे जैसे करेंगे ऐसे ऐसे करेंगे, ये लोग इमाम की इज्जत करते हैं। इज्जत तब एक हमारे बिरादर वतन हिंदू भाई ने कहा था, बालदेव जी, जब एक मुसलमान ये मुसलमान को जब अपने मस्जिद के इमाम की इतनी इज्जत करता है, उसकी एक इमाम के बगैर झुक नहीं सकता, जब ये दो इमाम की इतनी इज्जत करता है तो नबी ने आगे मुस्तफा की इज्जत करता होगा। पता चला इमाम की शान बढ़ाने से मेरे आका मदीने वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत लोगों के दिलों में बैठती चली जाती है। इसलिए मेरे मुसलमान भाइयों, अपने इमाम की इज्जत करो, इमाम की अजमत को समझो। अभी हाफिज कुरान, अल्हम्दुलिल्लाह, ये कुरान क्या है। अच्छा, ये भी एक अलमिया है, कुरान जल्दी लोग पढ़ते नहीं है, पढ़ते हैं दिन भर में 3 मर्तबा 4 मर्तबा मुंह धोएगा, नमाज पढ़े या ना पढ़े, वजू करे या ना करे, मुंह धोएगा, फेस वॉश लगाएगा, और ससुराल जाएगा मार पुटी पर पुटी, पचाड़ा पर पचाड़ा, रंग पेंट करके चल दिया, और कहीं बीच में बारिश हो गई तो सब पेंट वे धोवा गया, 150 रुपया बर्बाद हो गया, 150 रुपया पोचड़वा लगा देगा, लेकिन जुमा में जब मस्जिद का डब्बा चलेगा, जैसे ही डब्बा आते देखेगा वैसे कहेगा सूत जाएगा,
दस रुपया देने के डर से। उसके बाद में हाय रे मुसलमान कैसे इस्लाम आगे बढ़ेगा। कुरान जाने लोग पढ़ते नहीं है। कुरान दो तीन वक्तों में पढ़ा जाता है। अभी शबे बरात के मौके पर हर घर में कुरान पढ़ाया जा रहा है। कुरान खानी अच्छी बात है। कुरान खानी करवावे और रोज घर में कुरान पढ़वावे। रोज घर में कुरान पढ़वावे। खुद पढ़े, खुद जानते हैं, खुद पढ़े नहीं जानते। अपना तेरा बेटा पढ़ता है ना, तेरे अपने बेटे को मुसल्ली पे बैठा दे बावजू करके, खुद भी बावजू करके बैठ जा और बेटे से कह बेटा तू कुरान पढ़, उधर बेटा तेरा कुरान पढ़ेगा। तू घर में होगा तू कुरान सुनेगा, तेरी बीवी घर में होगी वो कुरान सुनेगी, तेरे बड़े बेटे होंगे वो कुरान सुनेंगे। इधर कुरान पढ़ने वाला वो बच्चा कुरान पढ़ता चला जाएगा, इधर तुम लोग सुनते चले जाओगे। जितना पढ़ने वाले को अल्लाह सवाब देगा, सुनने वाले को भी अल्लाह सवाब अता फरमाएगा। और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात ये होगी कि जिस जगह में कुरान पढ़ा जाएगा उस घर में रहमत और अनवार की बारिश होगी, उसमें बरकतों का नुजूल होगा। कुरान पढ़वाओ, कुरान पढ़वाओ। वैसे तो आदमी जब मरने के करीब हो जाता है ना, तो हम आप सब मशवरा क्या देते हैं? आप दादा ना ठहर, अजीब बोली ना ठहर, घर घर ही चालू जो इमाम साहब के बुला। इमाम साहब तो इमाम साहब की करेगा, नेट मम दे दे गलवा दबाएगा नहीं, उसको बुला सूरह यासीन पढ़ेगा। अरे इधर इमाम साहब पहुंचे हैं, सूरह यासीन शरीफ पढ़े, यासीन वल कुरान अल हकीम ये पढ़ रहा और बेटवा देख रहा है बापा मर ले कि नहीं। अजीब बात है, अबे कुरान मारने के लिए आया है। हाँ लोग यही सोचते हैं कि यासीन पढ़ो बाप जल्दी मरेगा। अगर ऐसा होता कि कुरान पढ़ करके आदमी को मारने का तरीका तो ना मिला। याद रहा कुरान पढ़ने से मरता नहीं है, बल्कि बीमारों को अल्लाह कुरान के सदके में शिफा अता फरमा देता है। हाँ आज तो आदमी इतने अंध भक्त हो गए मत पूछिए। घर में अगर कुछ थोड़ा भी हो, एक साहब के घर में बच्चा रात में ख्वाब देखा सपना, तो जब सपना देखा तो हड़बड़ा के उठ के बैठ गया। तो बाप क्या सोच रहा है, माँ क्या सोच रही है, बेटा सपना देखा है लेकिन इस पर लगता है शैतान है। तो बाप और माँ अभी वो बच्चे के बारे में सोच रहा है कि शैतान है, लगता है शैतान इस पे आ गया, जिन ने कब्जा कर लिया, भूत प्रेत पकड़ लिया। अभी मशवरा कर रहा है, तब तक बीवी क्या बोलते वालों, अपने शैतनवा ना भेज दिया, लगता है कि वो फोन पे से डाल दिया है। अजीब कदा भेज दिया, कैसे भेज दिया? हाँ भेज दिया। कहा कैसे क्या होगा, दूर से ना आया है। बीवी क्या बोलते हैं, दूर से ये नहीं आया, कहाँ से आया है? बोला तेरे गोती हुए, तेरा भैया, तेरी भौजैया ने वही इसमें शैतान मुसल्लत किया है। अगर यकीन नहीं तो चल बाबा के पास। हाँ, अब कौन बाबा के पास लेके पहुंच रही मालूम है? कहा किस बाबा के पास? बोला वो इतना पहुंचा हुआ बाबा है जो वहीं बैठ करके आंख बंद करके देख लेता है कि शैतान कहाँ बैठल है, कहाँ खड़ा है, कहाँ सुतल है, वहीं देख के बता देता है। बोला हाँ कौन बाबा? बोला वो भगत जी बाबा, वो बाबा जो जिंदगी में इस्तिंजा भी नहीं करता है। आप लोग इस्तिंजा करते हैं? आप लोग से पूछ रहे हैं, इस्तिंजा करते हैं? माशाल्लाह दिल बाग बाग हो गया कि कौन जगह है, रोशनगंज। यहाँ के लोग, इलाके के लोग इस्तिंजा करते हैं। नहीं एक जगह जलसे में गए थे ना, लोग वहाँ इस्तिंजा करते थे लेकिन हफ्ता में एक मरतबा। आप लोग भी करते हैं हफ्ते में एक मरतबा? अच्छा रोजाना करते हैं? माशाल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, दिल खुश हो गया। रोजाना रोजाना एक मरतबा? अच्छा जब जरूरत पड़ती माशाल्लाह। इस्तिंजा किसको करते हैं? पेशाब करने को। तू तो बैल भी करता है तो क्या कहिएगा, मेरा बैल भी इस्तिंजा फरमा रहा है। अब बताइए पेशाब करने का नाम इस्तिंजा नहीं है? पेशाब करने के बाद पानी से पेशाब के रास्ते को साफ करना, धोना, पाक करना, इसका नाम इस्तिंजा है। आज हम मुसलमान हैं,
हफ्ता में एक मरतबा इस दिन जब जुमा पढ़ने गए नहा धो के, पेशाब की हाजत पड़ी, पेशाब खाने में गए, पेशाब किया, पानी लिया, इस्तिंजा किया, जुमा खत्म, इस्तिंजा खत्म। और हम मुसलमान है कहते हैं हम सच्चा मुसलमान है। मेरे आका ने फरमाया कि नजाफत को अख्तियार करो, पाकिजगी को अख्तियार करो, तुम अपने कपड़े को पाक रख, अपने जिस्म को पाक रख, जिस बिस्तर पर सोवो बिस्तर को भी पाक रख, अपने तन को पाक रख, अपने रूह को पाकिजगी, रूह की पाकिजगी चाहते हो तो जिस्म की पाकिजगी का इख्तियार कर। इंशाअल्लाह रहमान इसी तहारत के सदके में तेरी